ये इलेक्शन में लोगों से रुपया पैसा लेने का मामला आगे उनकी तिजोरियाँ बनने का मामला था। इसी लोगों की तिजोरियाँ बनने का काम मौजूदा हुकूमत कर रही है और कोई एहसास नहीं है। अभी कल देखे हथरस के अंदर एक मासूम लड़की के साथ यहाँ मिलते होता है चार ठाकुर जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, उसके कबीले के हैं। और ठाकुर जो है उस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं, वो आवाज़ न निकाले चिल्लाए नहीं तो उसे जबान काट देते हैं, उसकी रेड़ की हड्डी तोड़ देते हैं और उसके घर वालों की इजाजत के बगैर हाईवे के किसी जंगल में जाकर जला देते हैं। ये संवेदन से बात इसलिए रख रहा हूँ कि आप सोल्यूशन क्या है आपके पास, आप उम्र खैर है और ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आपके पास क्या है? हालांकि इलाज मोदी के पास है। ये सब जुल्म बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ेगा, आप नहीं उठेंगे और बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर से लेकर सदर जमहूरिया तक एक ट्वीट नहीं आया, एक जुमला इस आदमी से नहीं आया। पार्लियामेंट के अंदर रहवानों में क्या हो रहा है? जब से ये मोदी आया है कोई बिल पास कराने के लिए तमाम हाउस से मशवरा लेना पड़ता था, अब वो किसी से मशवरा नहीं लेता। पार्लियामेंट में बात नहीं रखता है, जो बिल पास कराना हो उस पर डिक्लेरेशन करता है और बिल पास कराता है। तो ये जुल्म हुकूमती सतह पर भी हो रहा है, सरकारी सतह पर भी हो रहा है, ये जुल्म बढ़ रहा है। अभी देखिए कि इस लड़की के बारे में एफआईआर दर्ज हुई है, नाम ओपन हुए किसने किया है और डीजी का बयान आ रहा है उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। दुनिया की मीडिया बोल रही है, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, सरकारी लोग ये बात कर रहे हैं, अदालत इस सच है तो दबाव के अंदर है। कल बबरी मंदिर जिसने गिराई थी, जिन्होंने गिराई थी, वो चेहरे से सामने है, उसके वीडियो क्लिप है, पूरी फोटोग्राफी है। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि हम फख्र से कहते हैं ये मस्जिद को हमने गिराया, मुजरिम सामने है, अदालतों में क्या फैसला है? एक मुजरिम सामने क्यों हो सकता? सबको बरी कर दिया गया। इस नक्शे को आप समझें, इस मुल्क में आदाब का समझें जिसमें हम भी रह रहे हैं, उसे इंसान भी रह रहे हैं। तो उम्मत मुस्लिमा पहले बात पे गौर करे कि वो किस उम्र से की दवा है और दुनिया में क्यों पैदा हुई है। क्या सुनते रहेंगे जरूरत होता रहेगा, बर्बादियाँ होती रहेंगी? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम ने ये सब देखते रहते? क्या वाकई में ये नहीं होता था? वहाँ बलात्कार दहशत गर्दी वहाँ नहीं थी, वहाँ जिसकी लाठी उसको बहस वाला कानून नहीं था, सब था। क्या वो चुप रहे? साहब काम चुप रहे? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आजमाइश के अंदर मुबतला हुए, बहुत दर्द को किया गया, कई जानों के नजराने पेश किए गए, लेकिन अपने मिशन से नहीं हटे। ये मिशन क्या होता है? हमारी 93% आबादी नहीं जानती है, बल्कि उससे ज़्यादा नहीं जानती कि कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका मिशन क्या बताया। आप कौन हैं? आपको क्या करना है? क्या कभी आप गौर करते हैं कुरान के पास बैठते हैं, अपनी लाइफ के शहरों को कैलकुलेट करते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अवकात शुरू चक्की के अंदर औकात के अंदर यहाँ जाने में कितना औकात और कितना वक्त लगा है। और अल्लाह के दीन के लिए हेल्प कीजिए, आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को मुखातिब कीजिए कि जिस खुदा ने जबान दी, निगाहें दी, हाथ दिए, पैर दिए, पूरा वजूद किया है, उससे कितने काम हो रहे हैं दुनिया के अंदर। जो मिशन है, जो मकसद ज़िंदगी है, जिसके बारे में आखिरत जन्नत पूछ होने वाली है, उस मिशन में उम्मत कितना काम है। दोस्तों भाइयों, पानी सर से ऊपर हो चुका, दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दस्तूर की पेशानी में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लेकिन आवाम की कोई उम्मीद नहीं। आवाम जो है ना बुनियादी चीज़ है, लेकिन आवाम अब कोई चीज़ नहीं। चिल्लाओ, पुकारो, मुजाहरे करो, कोई पुकार आज आपको सुनी नहीं जाएगी। तो इंसानियत इस तरह तबाह होते रहेंगी, जुल्म सितम का शिकार होते रहेंगी, इज्जत और आबरूएं उड़ती रहेंगी। और आप उसके दरमियान अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी सर्विस, अपना बिस्तर, बस ये राउंड करके आप अपनी लाइफ को गुजारेंगे। दोस्तों, साहब काम को मिलाने को इसलिए कहा गया, बड़े से बड़े नेकी काम करने के बाद भी उनका यह एहसास था कि अल्लाह के यहाँ में बराबर सराबर शुक्रिया है। हमने इंतजार नफ्स करना छोड़ दिया, अपने नफ्स का जायजा लेना छोड़ दिया। हमारी नमाजें, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे तस्वीर कैसे होना चाहिए, समाज में हमारे इस्लामी किरदार कैसे होना चाहिए। अब जो लोग मिले हमारे समाज के अंदर, उनके अंदर भी शबूर नहीं है। लिबास मिलेगा, दाढ़ी मिलेगी, टोपी मिलेगी, दीनी शबूर नहीं है। रस्मी दीनदारी है, हकीकी दीनदारी नहीं है। और मादर के साथ बात कर रहा हूँ, हकीकी दीनदारी किसे कहते हैं। सईद अमर फारूक के पास एक साहब खड़े थे और एक शख्स दिखाई दिया। सईद अमर फारूक से साहब कहने लगे कि अल्लाह ये हमारे माशरे का बहुत नेक और मुस्तफी आदमी है। कहा अच्छा, क्या तुम उसके पड़ोस में रहते हो? कहा नहीं। क्या तुमने उसके साथ कुछ लेन देन किया है? कहा नहीं। क्या तुमने उसके साथ कभी सफर किया है? तो कहा नहीं। इस बुनियाद पर कहते हो कि नेक मुत्तकी है, इसलिए कि नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, उम्रा करता है, हज करता है। आदमी नेकी का जो मियार है, ये चीज़ों का फॉलोअप अगर घर में होता है कि नमाजें आप लोग पढ़ रहे हैं, रोजे जो आप रख रहे हैं, इसका फॉलोअप कि नेकी मेरा घर में बैतुल मारूफ रहेगा, नेकियों का घर रहेगा, मेरा माशरा में नेकियों का माशरा रहेगा। इस भलाई को हम फैलाएंगे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का जो मिशन है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाइयों को फैलाना, बुराइयों से रोकना। दोस्तों, साहब इकराम ने जिंदगी लगा दी इस काम के अंदर। आखिरी दम तक काम किया, आखिरी दम तक। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब फजर की नमाज के अंदर मजूसी अबू लूलू फ़िरौज़ ने जब खंजर मारा तो पसली के आर पार खंजर हो गए, खून बहने लगा मस्जिद के अंदर। तबीब ने दूध पिलाया, पसली के बाहर हो गए। बहुत बेहतरीन तबीब हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की जान बहुत मुश्किल है, नसीहत कर दी। आप देखिए, इंसान में नफ्स अशरे मुबशरा जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी हो तो उमर होता है। एक एहतिसाब इल्म से क्या अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर से कह रहे हैं कि बेटे अब्दुल्लाह हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है और हुज़ैफा बिन यमान से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ैफा मैं बात जानता हूँ कि मुनाफिकी की फहरिस्त को तुमने तैयार किया है, तुम अल्लाह के सबसे राज़दार हो। उसमें मेरा नाम तो नहीं बताइए। मुनाफिकी की फहरिस्त हुज़ैफा बिन यमान ने तैयार की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्टेट करवाई थी और उनके राज़दार थे। हुज़ैफा बिन यमान ने कहा कि अल्लाह के रसूल के मैं राज़दार हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ। कहा मेरे हालत तो तुम देख रहे हो, बता दो। हुज़ैफा रोते रोते कहते कि नहीं आपका नाम इसमें नहीं है। आपको कितना एहसास है, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन उमर को हम नसीहत करें कि बेटे देखो मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाती, मेरी नमाज जनाजा हुज़ैफा बिन यमान पढ़ाई। अगर हम नमाज पढ़ा देते हैं तो हमको इत्मीनान हो जाएंगे कि मुनाफिकों में से नहीं है। क्या आप तो अपनी मसलत में इंसाफ करते हैं? इस सुबह से शाम तक की नमाज कितनी चली, हमने किसकी कीमत कर दी, जिसको क्या कह दिया। ये जब तक इंसाफ नफ्स नहीं होगा अपने आप से गुज़र नहीं करेंगे आप। और उसके सिवा जो है आपको मुतालिया और करना होगा, आपको देना है लोगों को। आप मधु नहीं है, आप दाई हैं, आपको लोगों को पहुंचाना है। दोस्तों भाइयों, ये हालात जो आए हैं और शदीद हालात आए हैं, सीए कानून लग गया, NPR NRC लागू की जा रही है, UNPA का कानून आ गया, कोई नोटिस नहीं, आपको अंदर जाकर डालते हैं। आप जैसे उमर खालिद को डालती है, बात की बात है, कोर्ट में हमला जाता है, नहीं जाता है, कोई नोटिस नहीं। UNPA लगा दिया, दफा 375 से खत्म कर दिया गया, आज़ादी खत्म, इंसानी आज़ादी खत्म। ये सब बढ़ते चला जाएगा, इसमें कौन रोक लगाएगा। आप नहीं, हमारे पास सियासी कुव्वत नहीं है, सामाजिक कुव्वत नहीं है। क्या वो 313 के पास थी? पहले आप अपने ईमान में कायम हो जाइए। अजीम शान दौलत है ईमान, इसका सौदा मत होने दीजिए, इसको मानिए। जरा असलातु खैरुम मिनन नौम की जब आवाज़ आए ना तो आपका ईमान जाग जाए। नहीं, मौजूद बराबर कह रहा है मेरी दी नमाज से प्यारी नहीं हो सकती। जब भी आप दादा आपके उसके दीन के लिए आवाज है बबैत थी। दोस्तों, हालात बहुत शिद्दत के साथ खराब से खराब हो रहे हैं। हम टाइम पास न करें, इधर उधर बैठ के गप्पे मार कर औकात बर्बाद न करें। यह औकात का हिसाब दिया जाएगा, औकात का हिसाब दिया जाएगा, सलाहियतों के हिसाब दिया जाएगा। तो हमको दावत इल खैर का काम अंजाम देना है। लेकिन तुम्हारे बारे में कुरान मजीद ने डिक्लेयर कर दिया कि आप कोई नहीं, कोई उम्मत नहीं आएंगे। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व आप कोई नहीं, तुम खैर उम्मत है। तो इंसानों की इस्लाह की परवाह कीजिए, वो भलाई को आपको देती है, भलाई सोच पसंद। हमें नमाज भी पढ़ना है, रोज़े के अलावा रोज़े का भी इस्तेमाल करना है, कुरान का तिलावत के माने अपने पैरवी करना, पीछे करना। जो कुरान मस्जिद में पढ़ रहे हैं आप, कहा जा रहे आप पढ़ते जा रहे हैं। आप एहसास लेके जाइए कि ये किताब कह रही है कि वो यतीम और मिस्किन से गलत सूझ नहीं होती। मैं लोगों की जरूरत की चीज़ों को पूरा करूंगा, आप लेके जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर दी जाएगी। आप कुरान को ले आइए साथ में आप यहाँ रखे हुए जाइए, पढ़िए उसको, रोजमर्रा के मामूल बनाइए उसको, और पढ़ने के बाद अपने आप को उठा दीजिए। अगर आप एहसान के साथ जिएंगे तो आपके अंदर गैरत ईमानी पैदा होगी, आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा होगा, आप जिम्मेदारी पैदा करने वाले बनेंगे। दोस्तों भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, लेकिन दुआएं कोशिशों के बाद कबूल होती है। बगैर कोशिशों के कोई काम अंजाम नहीं दिया, पर दुनिया के अंदर अंजाम दिया। अल्लाह ताला किसे कबूल करे? मेहनत करें, कोशिश करें, अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन, बुनियादी तालीम, ताकि वो ज़माने की ज़रूरत बन सके। अपनी मैशत को मजबूत करें, वो समाज की बैठक हुआ करती है। ये तालीम है, सेहत है, मैशत है, ये गाँवों के उर्व जवाल से मशरूफ करती है। इन चीज़ों को गाँवों के उर्व जवाल का दारोमदार है, और इससे भी हमारे लोगों को प्रभाव है। इस वक्त ध्यान दें, दीनी और असली दोनों चीज़ों का इंतजाम जब होगा, उसके अंदर जब इंतजाम होगा, जब उम्मत करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम चीज़ों का शऊर अता फरमाए, इसके असली और रूहानी तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह दावाना।